हेलो गाइस, सो इग्नोर मेरी हालत। तो अभी अभी मैं घर आई हूँ और राबिया से बातें हो रही है हमारी। राबिया चीकू रेखा कुछ नहीं है कि राबिया पांडी शक्ल लिख कर। सो अभी अभी मैं घर आई हूँ एंड घर की हालत तो खराब है, बट आई विल शो यू क्यूट चीजें डिड आई बॉट टुडे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे सी दिस वन। मैं इतनी एक्साइटेड थी इनको लेने में। दिस इज़ अ टर्किश चाय का जो होता है। वाह, आई एम वेरी एक्साइटेड। इसे मैं कॉफ़ी भी पीऊँगी एंड चाय भी पीऊँगी। इट्स 44 क्रॉन, लाइक अराउंड $5 का पूरा सेट है। सो इट्स अ रीजनेबल प्राइस। एंड दूसरा क्यूट सा मैंने ये लिया। सी दिस इज़ सो क्यूट। ये काली मिर्च और नमक के लिए। अच्छा, सो दूसरा हमने ये लिया, ये ऑयल का हमने लिया। ये भी $3 का था। इट्स सो क्यूट। ओ हाँ, दूसरा हमने ये लिया। इट्स अ मेजरिंग कप लूसी के लिए। मतलब वैसे बेकिंग के लिए यूज़ होता है, बट लूसी के बिस्किट्स के लिए। इट वाज $2। सो हमारे घर आज जोरों शोरों से बारिशें हो रही है। बारिशें, वाह, यहाँ पे इतनी ज़ोर की बारिश मतलब बहुत कम होती है। काले बादल थोड़े सफ़ेद हो गए। एंड लूसी इज हाय। हम अभी अभी मूवी देखकर, हमने इतनी मज़े की मूवी देखी और ना हम नमाज़ पढ़ेंगे, खाना खाएंगे। बाय बाय। वाओ, सो हम अपना मज़े का पालक पनीर विथ नान एंड मज़े का सैलेड। फोकस क्यों नहीं हो रहा? ओके, हो गया, खाएंगे। इट इज़ सो डिलीशियस। मतलब बहुत 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 ही मज़े का, बहुत ही मज़े का खाना बन रहा है आज। इसमें धनिया पाउडर, जीरा एंड लहसुन, अदरक, ऑनियंस है और ये मसाले निकाल के रखे हैं सब मैंने, पता नहीं क्या क्या किया है। और क्या बन रहा है हमारे पास? आलू बैंगन। आलू नीचे चले गए सारे। सो आई एम ट्राइंग नई रेसिपी यहाँ से, बैंगन आलू की सब्जी इंडिया की। सो इसमें बैंगन एंड आलू हमने डाल दिए हैं और हरी मिर्चें भी काट के इसको अभी 12 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे जब तक ये बन जाए। और ये मेरा नमक ज़्यादा हो गया तो मैंने नान डाला और उसके बाद नमक कंपनसेट हो गया। सो ये हमारी बैंगन की सब्जी। अभी इसमें हरा धनिया एंड गरम मसाला डालेंगे। हरा धनिया एंड थोड़ा सा गरम मसाला इसको मिक्स करके एंड थोड़ा और पकाएंगे 5 मिनट। सो गाइस, बिलीव मी और नॉट, बट ये सब्जी बहुत 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 मज़े की बनी है। मतलब आई थिंक मैं लिंक में इस यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूँगी। ओ माई गॉड, वाओ, इट इज़ सो चटपटा एंड डिलीशियस। सो मेरे घर में बाल खराब है, सॉरी। सो मतलब वाओ, मैंने पहले भी बोला था कि जो इंडियंस की सब्जियों की रेसिपी होती है वो बहुत मज़े की होती है, क्योंकि ये लोग सारे मसाले यूज़ करते हैं। धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, जो नॉर्मली हम लोग सब्जियों में नहीं यूज़ करते हम लोग हमारे घर में। आई डोंट नो कि दूसरे लोगों के घर में कैसे यूज़ होता है, बट हमारे घर में नॉर्मली सब्जियों में हम नमक, लाल मिर्च, हल्दी, यहाँ तक के मसाले होते हैं। मतलब जीरा, धनिया और गरम मसाला ये चीज़ें नहीं यूज़ कर सक नहीं करते। अदरक लहसुन भी किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। सो इसमें ये सारे मसाले, अदरक लहसुन, मतलब जो भी बिरयानी पुलाव इनमें मसाले होते हैं, तो वो सारे मसाले लोगों ने यूज़ किए। और ऊपर से हरा धनिया एंड हरी मिर्चें। सो आज बैंगन की सब्जी खाएंगे चावल के साथ। हाय, दिस इज आई जस्ट मेड कॉफी विथ नो शुगर, क्योंकि सी बहुत बहुत सारा शुगर वी हैव ऑलरेडी। यू नो यू ऑलरेडी फिनिश योर खाना, है खत्म कर चुकी, खा दो। यस, बाय बाय ऋषि। हम काम भी कर रहे थे अपना। Hayallerim, güneşle güllerim var. Bak görünce kadar mı şimdi zulüm var? Aşk benim.
हेलो गाइस, सो काम के साथ साथ काम भी करना है, मतलब कि कुकिंग करनी है. सो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ चिकन मसाला मुर्गी नेशनल का पैकेट यूज़ करके. और मेरा टास्क ये है कि मुझे मिनिमम क्वांटिटी बनाना है. सो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आई विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग जितना छोटा एंड थोड़ा सा हो सके. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सोची उसके लिए एक बड़ा सा ओनियन था, उसका मैंने आधा ओनियन फ्राई किया है, बट आई डोंट नो, आई होप कि ये सही हो. एंड मसाले को आधा पैकेट जो है मैंने मसाले को योगर्ट में वो कर लिया है. और उसके बाद हमारा चिकन मैंने पानी में नहीं डाला था, इट वाज इन शॉपर, बट अभी स्टिल चिपका हुआ है, पता नहीं क्या हो गया. सो आई ट्राई टू टेक थोड़ा सा क्वांटिटी. एंड हमने अदरक भी अपना चॉप कर लिया है. मैं आजकल अदरक के छिलके नहीं उतारती, सो डायरेक्ट इसको चॉप कर देती हूँ. सो एंड देन योगर्ट में निकाल लिया, एंड देन ये हमारा लहसुन. सो यस, लेट्स सी कैसा बनता है. एंड शी इज़ वेटिंग कि हमें कब खाना मिलेगा, कब खाना मिलेगा हमें. लूसी, यू नीड टू ईट योर ओन फूड. ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल है. ओनियन को थोड़ा सा फ्राई करके उसमें लहसुन एंड अदरक मैंने डाल दिया है. और नेक्स्ट स्टेप होगा, हम ये पूरा मसाला डालेंगे एंड चिकन डालेंगे और उसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे भूनेंगे. तो ये सब कुछ मैंने डाल दिया है, अभी इसको अच्छे से हम लोग भूनेंगे. और मैंने उसका वेट नहीं किया कि चिकन अलग अलग हो जाए, क्यों नहीं वेट किया. या पानी में बहुत टाइम लगता, सो ये होता है जल्दी जल्दी का खाना बनाना. थोड़ी देर में इसको घुमा के ये खुद ही अलग हो ही जाएगा. सो ऐसी रेसिपीज़ में आप नमक चेक करके हम लोग मतलब अपने हिसाब से डालते हैं. सो लेट्स सी कैसे बनता है. और दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारी रेसिपी में, उसके बाद 1 कप पानी डालना है और उसको लो मीडियम में कुक करना है. ओके, एंड देन ऐसा खाना बनेगा हमारा. एंड ये पैकेट जो है यहाँ पे मिलता है अराउंड $2 का. ओ वाओ, इट्स नॉट एक्सपेंसिव. वाओ, $2 का मिलता है, अंदर 2 पैकेट्स होते हैं. आई लव नेशनल के मसाले. सो ये 5 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया है और अभी इसमें हम पानी डालेंगे. सो इसमें हमने पानी डाल दिया है और हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए. एंड देन हरा धनिया डालेंगे, एंड देन इट्स रेडी. सी हाउ सिंपल इट इज, सो सिंपल. सो ये हमारा मज़े का मसाला मुर्गी इज़ रेडी, एंड इट इज़ डिलीशियस. इट टेस्ट लाइक अ चिकन कौरमा. हमारा मसाला मुर्गी विथ नान एंड ओनियन. रात को हमने कुकिंग की एंड हम लोगों ने 2 डिशेस बनाए, दैट इज़ छोला मुर्ग एंड ये कीमा चावल. सो ये मैंने जो बोला था कि मैं ट्राई करूँगी कम बनाऊँ, सो ये सिर्फ 1 कप का है. आई थिंक 2 टाइम चल जाएगा. या एंड ये भी मैंने ट्राई किया कि थोड़ा ही बने, ये आई थिंक 3 दिन तक चल जाएगा. सो ये हमने नान निकाला है और लूसी इज़ वेटिंग. एंड और जो मैंने जो रेसिपी आज बनाई वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, आई नेवर ट्राई दिस बिफोर. और ये है हमारा मुर्ग छोले. सो आई थिंक ये बहुत मज़े का ही बना है एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल. हाय वो मुझे जो मुझे चाय के लूसी, हाँ I just came home. Is she chai? So she will smell ke subah kya lekar aayi hai. So hum log samaan lekar aaye hain and let me show you guys. Chai kya? Tumhe chai kya hai? सो शॉपिंग की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक ब्रेक आज अपने काम से. और कल मैंने रिपोर्ट एक सबमिट करवाया, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट सम ब्रेक. और उसके लिए शॉपिंग थेरेपी. सो मैं सिर्फ 1 चीज़ लेने गई थी और बहुत सारी चीज़ें उठा के लेकर आई. नहीं, मैं 2 चीज़ें लेने गई थी. सो ओके, इस बैग को तो मैं लेने गई थी एक बॉटल छोटा सा दिस साइज़, क्योंकि मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो अब आजकल हम लोगों को ख़ुद का लंच लेकर जाना पड़ता है, तो उसके लिए या जूस के लिए और पानी के लिए. और दूसरा मैं लेने गई थी
दिस डिओड्रेंट, दो चीजें लेने गई और बहुत सारी चीजें लेकर आई. ओके लेट मी एक्सप्लेन, आई हैव रीजंस टू बाय दिस. तो ये मैंने फूड कंटेनर लिया क्योंकि आजकल आई एम थिंकिंग कि मैं राइस लेकर जाऊंगी और हम लोग को खुद का लंच लेकर जाना पड़ता है ऑफिस. तो यस, ये फूड कंटेनर मैंने लिया राइस के लिए. और सी दिस वन, ये मैंने नई चीज़ देखी है, जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए टूथ ब्रश जो होता है हम लोग मतलब ऐसे ही रख लेते हैं. सो दिस इज टूथ ब्रश कंटेनर. और दूसरा, आई बॉट दिस वन क्योंकि आई हैव अ कर्ल बाल, तो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस कर्ल हेयर्स के लिए ब्रश. और मैं बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ. सो एक चीज़ मैंने अपने बालों के लिए ली है, दिस इज़ गार्नियर योगर्ट मास्क, इंटेंसली हाइड्रेटिंग. सो या आई नीड समथिंग जो मेरे बालों को नॉरिश एंड सॉफ्ट करे. सो आई विल ट्राई एंड सी के सी, इसमें लिखा है मॉइस्चराइजेस इंटेंसली. सो लेट्स सी, गिव इट अ ट्राई. ये $4-5 का था. और दूसरा मैंने लिया दिस वन, दिस इज़ लॉरियल का. मेरा सीरम ख़त्म हो गया तो फ्रिजिंग जो हेयर्स है उसको ख़त्म करता है. सो आई विल ट्राई दिस वन फर्स्ट टाइम. और दूसरा मैंने लिया ये वाला बालों के लिए, दिस इज़ शिया बटर ऑयल शीन डीप कंडीशनिंग स्प्रे. सो हम मैंने ट्राई करके देखा, वहाँ पे आप स्प्रे करते हो तो इट्स मॉइस्चराइजर एंड इंस्टेंट कंडीशनिंग योर हेयर्स. सो आई विल ट्राई दिस वन टू फर्स्ट टाइम. और टू सिस्टर, हमने क्यूट सी लिसी पर ओके. सो मैं नेल्स, सी दिस वन. सो नॉर्मली आई डोंट डू माई नेल्स एंड बड़े भी नहीं करती, पहले करती थी बट बहुत टाइम हो गया. अभी मेरा दिल कर रहा था टू लाइक ट्राई सम नेल्स, नेल पॉलिशेस. सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे नेल पॉलिशेस, ये ही छोटे से क्यूट से सस्ते थे, $7-10 का नेल पॉलिश. वाओ. एंड दिस वन इज़ $1.5 का. सो मैंने क्या, सो बी आर ट्रायल वर्जन के लिए छोटा सा लेना चाहिए. एक मैंने ये लिया एंड यू मैंने लगाया है. और दूसरा मैंने लिया, दूसरा आई बॉट दिस कलर, आई लव दिस कलर बट अभी पता नहीं कहाँ से लग गया है, नीड टू फाइंड. और नेल पॉलिश लिया तो रिमूवर भी चाहिए क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं. सो या दिस वन स्पंज रिमूवर है, आप इसमें जस्ट हाथ ऐसे डालोगे एंड इट विल रिमूव. सो आई विल ट्राई दिस फर्स्ट टाइम. और तीसरा मैंने ये लिया फूट क्रीम, मेरे पाँव में थोड़ा सा क्रैक आ गया है. सो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वन के लेट्स सी के, बट ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा यूज़ करो पेट सही हो जाए, देन कीप इट फॉर नेक्स्ट टाइम यूजेज. और या और आई बॉट दिस फर्स्ट एड का किट. मुझे किट अंदर जो सामान है, अंदर ये सामान है, उससे ज़्यादा मुझे ये उसका बॉक्स अच्छा लगा. ये $3-4 का था, तो $2 का था समथिंग, दो तीन. तो या मुझे ये बॉक्स चाहिए था, आई वॉन्टेड दिस किट. एक पीस ही बचा था. सो मैं सोच रही थी लूँ नहीं लूँ, एंड आई विल पुट माई मेडिसन, ये वो पता नहीं क्या होता है जो ट्रैवलिंग इन घर के लिए चाहिए होता है. तो इसको मैं यूज़ करूँगी दिस बॉक्स. और आई बॉट दिस वन बिकॉज मेरे आई हैव अ ग्रे बाल, तो अगर आप कलर नहीं करते बालों में तो दिस इज़ मैजिक रीटच स्प्रे है. एंड यहाँ पे लिखा है कि इट लास्ट जब तक आप शैम्पू नहीं करते, यू नो. तो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वन, आई होप कि ये अच्छा काम करे. तो जब कभी कलर नहीं किया बालों में तो या ये यूज़ कर सकते हैं. बट ये एक्सपेंसिव था, इट वॉज $7-8. तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी लूँ नहीं. और अदर थिंग, आई बॉट दिस वन, ये सो ये दिस इंडिया का है, इट्स मेड इन इंडिया. और मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक क्योंकि अभी ये समर ख़त्म होने वाला है तो ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर से ये लोग ये नहीं रखेंगे. सो या आई रियली लव्ड दिस बैग, कि जब तक जब आप पिकनिक विकनिक में जाते हो बाहर और कुछ चीज़ें लेकर जानी होती हैं या फिर ट्रैवलिंग में ये बैग लेकर जाओगे, इट्स सो लाइट, यू नो. सो यस. एंड और लास्ट चीज़ हमारे पास ये है. ओके लेट्स ओपन, क्योंकि आजकल हम लोग लंच अपना लेकर जाते हैं. सो लंच लेने जाने के लिए कोई एक लंच लेने की कोई चीज़ बॉक्स वगैरह नहीं था. सो ये जो है ओके, इसे
कूल बैग, लंच बैग है तो इस पे या कैसे खुलेगा, या आई थिंक इसको ऐसे ऐसे कैरी करेंगे, ये नीचे हो जाएगा और इसके अंदर लंच बॉक्सेस, जूस या कुछ भी है आप आराम से रख सकते। लेट मी ओपन इट। वाओ सी गाइस दिस वन, अंदर मतलब खाना गर्म ही रहेगा। वाओ दिस इज़ सो कूल यू नो, और ऐसे करके ऐसे लंच लेकर जा सकते हैं। इट्स सो कूल एंड ये $3 का था ऑन सेल। सो ये हमारा शॉपिंग। और दूसरा मैंने H&M से कुछ चीज़ें ली थी, दे आर ऑन सेल, तो मैंने टी शर्ट्स ली, तो इनकी ओरिजिनल प्राइस इज़ $10 और $7.5 का था सेल में, नॉट दैट लाइक खैर वॉट एवर। तो ये जस्ट क्यूट सा टी शर्ट, दिस कलर, इसका मटीरियल इट्स वेरी नाइस। एंड दूसरा हमारे पास है अनदर टी शर्ट, आल्सो द सेम प्राइस। एंड लास्ट वन वी हैव, यस इट्स नॉट दैट चीप, या खैर दिस कलर एंड इट्स मटीरियल अच्छा है इसका। तो ये हमारी शॉपिंग। एंड लास्ट थिंग बनाना, सो बनाना जब भी लें ग्रीन कलर का लें, क्योंकि कुछ बहुत दिनों तक ये चलता है, फिर 3-4-5 दिन, हाँ 1 हफ्ता तो चल जाएगा। ओके सो ये थी आज की शॉपिंग। मैं सोच रही थी मैं पैसे खर्च नहीं करूँगी, मुझे पैसे सेव करने चाहिए। और जब मैं बाहर गई आफ्टर अ लॉन्ग, 1 महीना तो हो गया है या बहुत टाइम हो गया है, तो मैं शॉपिंग करने नहीं गई थी। तो मैं जब बाहर गई तो सब कुछ उठा के लेकर आई, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि बालों के लिए मैंने चीज़ इसलिए ली, मेरे बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं और अभी विंटर आने वाला है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स आई नीड समथिंग। और मेरा सीरम भी ख़त्म हो गया है, तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ भी रही थी कि कोई ऐसी चीज़ें मिले बालों के लिए जो मैं यूज़ करूँ और मेरे बाल फ्रीजी नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि विंटर में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एंड देन लंच की चीज़ें सी, हर हम जब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद वी नीड टू गिव आवर सेल्फ रीजन्स एंड के क्यों लिया हम लोगों ने, ताकि हो के हाँ ठीक है काम, क्योंकि काम की चीज़ें लेते तो बहुत टाइम तक काम भी आती है वो चीज़ें। सो ये सारी काम की चीज़ें हैं। ओके सो अभी मैं घर आई हूँ एंड अभी आई विल चेंज माई ड्रेस, नमाज पढ़ूंगी और उसके बाद हम खाना खाएंगे, जो हमने मटन नहीं क्या बनाया था, हाँ कीमा राइस। सो डैट विल ईट लंच में, और लूसी भी अपना खाना खाएगी, और सी यू लेटर। एंड आज मैंने अपने पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लिया है, तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के ही मैं थोड़ा सा कॉफ़ी एंड केक खाकर बाहर चली गई, और अभी इतनी सारी शॉपिंग करके, ये शॉपिंग मेरे घर के सामने था एंड या थोड़ा फिर रेस्ट करूँगी एंड फिर शाम को पढ़ाई करूँगी। यस सो आई वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट आज, क्योंकि लास्ट वीक पूरा बहुत क्रेजी था एंड लास्ट फ्यू डेज वर सुपर क्रेजी। आई वॉज वर्किंग डे एंड नाइट। ये देखते पेपर सारे, बहुत सारा काम, बहुत पता नहीं क्या क्या क्या, या बहुत सारा कोडिंग का काम किया ये सारा। एंड अभी मेरा नेक्स्ट टास्क जो है वो ये सारे बहुत सारे पेपर्स हैं, वो सारे पेपर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीक मेरा प्रेजेंटेशन है, सो आई डोंट नो आप लोग को कैसे बताऊँ मेरे टॉपिक्स के बारे में। सो आई एम वर्किंग ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी, तो ये पेपर्स हैं रिलेटेड टू डिवाइस फिंगर प्रिंटिंग, अबाउट सिक्योरिटी एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। सो ये सारे मुझे इस हफ्ते पढ़ने हैं, नेक्स्ट वीक प्रेजेंटेशन है, और अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए। लास्ट में कोडिंग का काम कर रही थी, वो ख़त्म हो गया, वो सबमिशन हो गया मेरा, तो या थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद एंड माई माइंड विल बी रिफ्रेश्ड, ताकि मैं नई चीज़ें पढ़ूँ, स्टडी करूँ एंड फिर से बैक टू पढ़ाई रूटीन। एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आई सी यू लेटर, या